राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एक QI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी NCR के लोग प्रदूषण से राहत नहीं पा रहे हैं। इसी बीच राजधानी में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश कराने की योजना पर विचार चल रहा है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ राजस्व मंत्री आतिशी और अन्य अधिकारियों ने IIT कानपुर के विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक की। 8 नवंबर को बैठक के बाद गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया। आज अभी IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव में है, उसको देखते हुए क्लाउड सीटिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी। इसके पहले 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हमने एक्सपर्ट मीट की थी और उसमें पहली बार ये प्रस्ताव IIT कानपुर के तरफ से रखा गया था और उसके बाद हमने ये निवेदन किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बारिश के मौसम में, अगर बादल हैं और बारिश नहीं हो रही है उस समय बारिश कराने का है, तो दिल्ली में खासतौर से सर्दियों के मौसम में अगर बारिश कराना हो तो उसका एक प्रस्ताव तैयार करें। आज IIT कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए। तो अगर सभी लोग मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20-21 के आसपास बादल होने की संभावना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनसे कल प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है और फिर कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि दिल्ली NCR में हवा में जहर घुलना बंद नहीं हुआ है, लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां एडवांस में दे दी हैं। अब 9 से 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। ये फैसला बढ़ते प्रदूषण की वजह से ही लिया गया है। इसी के साथ दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कैब को भी अब दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इन पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग की गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। ऐसे में यहाँ प्रदूषण को कम करने और मौसम को साफ बनाए रखने के लिए अक्सर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश खेलना बिगाड़ते, इसलिए चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पहले ही बारिश करवा दी थी। चीन क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ाने वाला है।